तो 12वें हफ्ते का किंग ऑफ द वीक का खिताब किसे मिला है, बड़ी अपडेट निकल के सामने आ चुकी है। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अभिषेक को तगड़ी फैन फॉलोइंग और तगड़ी सपोर्ट मिल रही है, उसी तरह गाइस किंग ऑफ द वीक जो जीतने की आदत थी, जी हाँ, मुनव्वर फारूकी एक बार फिर से 12वें हफ्ते के किंग ऑफ द वीक बन चुके हैं। इससे पहले यूके राइडर जीत के गए हैं, लेकिन मुनव्वर ने बोल दिया कि भैया अभी तक अपन जीतते आ रहे थे, अभी ना जीते कैसे हो सकता है, लेकिन क्या ये आदत ट्रॉफी तक रह पाएगी, क्या ये जीतने की आदत है ये ट्रॉफी उठा के देगी, ये बड़ी बात है। यहाँ पर इस वक्त गाइस क्या हो रहा है कि मेकर्स जैसा चाहते थे ना, जैसा मेकर्स चाहते थे वैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगभग हो चुका है। मेकर्स चाहते थे कि अभिषेक और मुनव्वर में लड़ाई करवा कर इनके बीच कंपटीशन रखा जाए, और एक और खास बात है कि इस वक्त दोनों के लिए घर वाले पूरी तरह से उनके खिलाफ है। सामने चाहे कुछ ना बोलते हो लेकिन पीछे बैठकर मुनव्वर की बातें चल रही है, मुनव्वर के लिए नेगेटिव चीजें बोली जा रही है, नेगेटिव बातें बोली जा रही है, वैसे ही अभिषेक के लिए हो रहा है कि पूरा घर खिलाफ है और मुनव्वर भी अभिषेक के खिलाफ है, अभिषेक मुनव्वर के खिलाफ है। तो ये चीज़ें फिलहाल के लिए होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब जो बाहर जिनके बीच कंपटीशन चल रहा है मुनव्वर और अभिषेक में, उनके खिलाफ पूरे घर वाले हैं। और मुनव्वर की बात करें तो मनारा, ईशा, विक्की, अब अंकिता भी कहीं ना कहीं विक्की के कहने पर होती हुई दिखाई दे रही है मुनव्वर के खिलाफ, और अभिषेक, अरुण, समर्थ ये सभी खिलाफ है। तो मतलब यहाँ पर मुनव्वर अकेला पड़ गया, दूसरी तरफ अभिषेक भी अकेला पड़ गया है। अब क्या होगा गाइज, बड़ा कंपटीशन हो गया और इन्हीं दोनों के बीच में कंपटीशन है ना, इंटरेस्टिंग चीज हो गई है ना घर में। तो फिलहाल के लिए किंग ऑफ द वीक है वो भाई साहब मुनव्वर बन चुके हैं, और मुनव्वर ने कह दिया है कि यार तुम चाहे अभिषेक के फैंस जितने भी हो तुम लगा लो जोर, तुम एक तरफ जीतने की पूरी कोशिशें करो, वैसे मेरी तरफ से भी हो रही है और मुनव्वर के फैंस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने किंग ऑफ द वीक 12वें हफ्ते का भी मुनव्वर को बना दिया है। अच्छा गाइज, आपको एक बात बताऊं तो इस वक्त मेकर्स कहीं ना कहीं मुनव्वर को डाउन करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब मेकर्स पता है मुनव्वर को कैसा दिखाना चाहते हैं, मुनव्वर को मेकर्स ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भैया मुनव्वर का खुद का दिमाग नहीं है, मुनव्वर का खुद का गेम नहीं है, जो कुछ भी होता है वो वीकेंड के वार से डिसाइड करता है, वहाँ से हिंट लेता है, वहाँ से पूरा प्लान लेता है और उस हिसाब से पूरा हफ्ता चलता है। और ऐसी चीज़ें अब घर वाले भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जब सलमान खान ने बोला तब मुनव्वर है वो कहीं ना कहीं अभिषेक की तरफ हो गया, तो ये चीज़ें बोलते हुए घर वाले भी नजर आ रहे हैं और मेकर्स भी भैया मुनव्वर को सच में डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा क्या होगा, लेकिन गाइस आप बताइए विनर कौन बनेगा, क्योंकि भाई कंपटीशन है वो तगड़ा वाला हो चुका है। एक तरफ मुनव्वर है किंग ऑफ द वीक का खिताब हर बार जीतते जा रहे हैं, दूसरी तरफ अभिषेक कुमार है वो बाहर उसके फैंस है भैया धूम धड़ाका कर रहे हैं और खूब वोट कर रहे हैं। अब जो कल वाला वोटिंग ट्रेंड आएगा ना परसों, जो आप देख पाएंगे कल तो नॉमिनेशन हो जाएगा टास्क, और उसमें गाइस पता लगेगा कि भैया अब मुनव्वर और अभिषेक की क्या स्थिति है। चलिए आप बताइए कौन बनेगा विनर, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। इसके साथ गाइस आप मुनव्वर को कॉन्ग्रेचुलेशन जरूर बोलिएगा।